हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ थूक का सूप। आपने सही सुना, थूक का सूप। आपने कभी इमेजिन किया कि आप किसी का, इंसान का या जंगली जानवर का या पक्षी का थूक का सूप पी सकते हो? तो मैं ये जो कहानी बताने जा रहा हूँ आपके होश उड़ा रहे हैं। ये एक बर्ड है, स्विफ्लेट बर्ड बोल के एक बर्ड है, जो साउथ ईस्ट एशिया के जो केव्स यानी कि आइलैंड्स में, इनलैंड्स में जो बड़े बड़े केव्स है जिसके अंदर बहुत अंधेरा होता है, उसके अंदर ये लोग रहते हैं। जो पक्षी होता है स्विफ्लेट बर्ड, छोटी सी पक्षी है, वो उसके अंदर रहती है। तो अपने थूक से, उसका ग्लैंड है वहाँ से थूक निकालता है, उस थूक से वो रॉक के स्ट्रक्चर में साइड में ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाता है जो व्हाइट कलर का दिखता है। पहले पहले जेली होता है और हवा के साथ वो हार्ड हो जाता है, वो एक छोटा सा नेस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसमें बैठ के अंडे देते हैं, अपने बच्चे लोगों को खाना खिलाते हैं, उसके बाद वो उड़ जाते हैं, या बच्चे भी उड़ जाते हैं, उसके पेरेंट्स भी उड़ जाते हैं, तो वो वहाँ पर रहता है। तो लोग है ना, वहाँ के जो आइलैंडर्स है या जो इनलैंड्स के लोग हैं ना, बोट में जाके कैसे भी जाके ना वहाँ पे जाके रिस्क लेके, अपने ऊपर ऊपर वाले जो केव्स रहते हैं रिस्क लेके ऊपर चढ़ते हैं, अपने जान के ऊपर खेल के ना ऊपर जाते हैं, एंड देन वहाँ से ये कलेक्शन करते हैं और उसको जाके मार्केट में जाके बेचते हैं। और ये एक किलो 10,000 US डॉलर्स तक के लिए भी जाता है, बहुत ही महंगा है। इसको ईस्ट का कैवियर माना जाता है, यानी कि आपको तो पता ही होगा कि कैवियर दुनिया का सबसे महंगा फूड आइटम है, विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रू ऑफ द स्टर्जन फिश। लेकिन वैसे ही ईस्ट का जो कैवियर है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का जो कैवियर है, वो है बर्ड्स नेस्ट सूप। तो ये बर्ड्स नेस्ट सूप कहाँ से बनता है? ये स्विफ्लेट बर्ड की नेस्ट से बनता है। नेस्ट कैसे बनता है? वो थूक से अपना नेस्ट बनाता है, और वही थूक के बने हुए नेस्ट से इंसान उसका सूप डेसर्ट बना के खा लेता है। तो ये क्यों करते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो थूक से बना हुआ जो नेस्ट है उससे वो लोग सूप भी बनाते हैं, डेसर्ट भी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। लेकिन इसका मेन वजह ये है कि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, यानी कि हज़ारों हज़ारों साल पहले चाइना में ये यूज़ करते आए हैं, यानी कि ये चीज़ को ना यूज़ करते आए हैं, और ये मानते हैं कि इसको खाने से, इसको सूप बना के या डेसर्ट बना के खाने से बेसिकली इम्यूनिटी बढ़ता है, स्किन में ग्लो आता है, आस्मा दूर हो जाता है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डिजीज भी दूर हो जाते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग मानते हैं। आज के ज़माने में स्विफ्लेट बर्ड की जो ये ना घोंसले को ढूंढ ढूंढ के ना उसका बहुत ही एक्सप्लोइटेशन हो गया है, इसकी वजह से इसका जो पॉपुलेशन भी थोड़ा सा कम हो चुका है, क्योंकि लोग अंडे से पहले ही उसको निकाल देते हैं, तो उसकी वजह से ना बहुत ही प्रॉब्लम हो गया इस जो स्विफ्लेट बर्ड की जो पॉपुलेशन में बहुत डिक्रीज ग्रोथ देखा गया है। तो उसकी वजह से अभी लोग स्विफ्लेट बर्ड को अपने घर के अंदर यू नो आर्टिफिशियल, यानी कि अपने फार्म के अंदर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाते हैं, उसके अंदर रख के उनसे बनवाते हैं, तो अभी थोड़ा सा बैलेंस हो रहा है। तो आई होप दैट आपको स्विफ्लेट बर्ड के बारे में जो मैंने इस वीडियो में बताया, स्विफ्लेट बर्ड के सूप और डेसर्ट के बारे में बताया, जो इंसान खाना पसंद करते हैं, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज के जो लोग खाना पसंद करते हैं, आगे भी जाके मस्त मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस दुनिया भर से मैं लेके आने वाला हूँ। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, मिथुन देवदास साइनिंग ऑफ।